बिल्कुल रियल ट्राइवर लेवल बेस्ट उसको देने ही देना है। बाकी जैसे सर ने मुंबई के स्पेसिफिक अचीवमेंट्स की जहाँ तक बात की थी, सर ने जो बोला था कि 6 लोगों की टीम जो IGSO के लिए गई थी उसमें 6 एलन के हैं, उनमें से एक एलन मुंबई का क्लासरूम का बच्चा है जो हमारा यही का ही है बच्चा, अंधेरी में ही पढ़ता है वो, और जिपमर की जैसे सर ने बताई दी है। बाकी एक अमरजीत पांडे जो ISO इंडियन अर्थ साइंस ओलंपियाड होता है उसमें सिल्वर मेडलिस्ट है, जो वो भी एलन मुंबई का ट्रांसफर है। तो ऐसा है कि रिजल्ट की शुरुआत हो चुकी है, अब नेक्स्ट ईयर जैसे सर का जो सर ने बोला है वो बिल्कुल वो कमिटमेंट हम पूरा बिल्कुल करना ही करना है, और हमारी अगली शुरुआत AIR1 से ही होगी। एटले सर मुझे 100 के अंदर एक्सपेक्टेड था रैंक, लेकिन बिकॉज ऑफ 7 मार्क्स प्रोबेबली कुछ हो गया और आई एम आउट ऑफ 100, सो बट आई एम स्टिल हैप्पी। एलन सपोर्टेड मी एंड थैंक्स टू एलन। आई विल गो इन IIT बॉम्बे एंड ब्रांच कंप्यूटर साइंस। मैंने कंसिस्टेंट स्टडी पे फोकस किया एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आई वुड लाइक टू थैंक द होल एलन टीम एंड अमित सर, अमित अग्रवाल सर फॉर दैट। दैट फोकस ऑन कंसिस्टेंट स्टडी एंड गिव योर बेस्ट, जस्ट बी हैप्पी ऑन दैट ऑन एडवांस डे, दैट वुड बी बेस्ट। And my rank is 132 and marks is 301. मैं एक बात बोलूँगा कि planning is very important for GE. मतलब not just कि तुम लोग study करोगे पर क्या study करना है, कब करना है, that is also important. So I focused more on that कि कब क्या करना है, कब कब marks के लिए जाना है, कब learning के लिए जाना है। Mostly mains के पहले I was like कि paper में mistake हुआ है चलो, कि मतलब कुछ नया सीखने को मिला है, पर आफ्टर दैट इज़ द मेन आई मीन गेम मोड की मार्क्स ही चाहिए अभी। मतलब जस्ट लाइक कि 1 month बिफोर एडवांस गो फॉर जस्ट मार्क्स, उससे आपका रैंक बूस्ट होगा। आपको लगता है थोड़ा सिली मिस्टेक्स हुआ है तो उससे 5-10 मार्क्स का लॉस हुआ है, तो एक्चुअली बढ़ सकता था, बट आफ्टर ऑल एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि सिली मिस्टेक शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड फॉर द जूनियर्स। मतलब हम लोग बोलते हैं कि हाँ चलो 10 मार्क गए हैं नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे, पर वो होता नहीं है, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। समय देना किसी को बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और ये वो समय जिसके लिए एलन इंतज़ार करता है, क्योंकि ये बच्चों की मेहनत की फसल क्या रंग दिखाती है ये दिन उसके लिए माना जाता है। तो आज बहुत ही टॉप लेवल का जो अपना IIT एग्ज़ाम होता है, इंडिया का टॉप लेवल एग्ज़ाम, उसका रिजल्ट आया है, और एलन परिवार की ओर से स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन, और आप सब अपना समय दे रहे एलन के लिए। एलन इसके लिए हमेशा आपका कर्जदार रहेगा, क्योंकि आज की दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है दूसरों को समय देना, और एलन इस समय का इंतज़ार करता है जब बच्चों की मेहनत की फसल क्या रंग दिखाती है। और आज इंडिया का टॉप लेवल का एग्ज़ाम IIT, उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है, और इस रिज़ल्ट का एलन का मुंबई के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, क्योंकि हमारा मुंबई का एक तरह से ये पहले साल का रिज़ल्ट है। और एलन मुंबई क्यों आया, क्योंकि IIT में जो टॉप IIT है उसमें IIT मुंबई पवई नंबर 1 पे आता है, और वैसे मुंबई के हिसाब से देखा जाए हर तरह के किरदार, हर तरह के फील्ड में पोटेंशियल है, तो यहाँ पढ़ाई में भी कई छुपे रुस्तम बच्चे हैं, कई जिनमें शार्प है, स्पार्क है, तो हमको उन्हीं को उजागर करना था, उसी उद्देश्य को लेकर एलन यहाँ पर आया है। और इस बार शुरुआत हुई है कि हमने टॉप 100 में 100 से शुरुआत करी है, इस बार एलन मुंबई से टॉप 100 में जो रैंक है 100 रैंक है, इस बार ये 100 है, शुरुआत है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है जिस तरह से एलन का टीम वर्क का काम करने का अंदाज है, तरीका है, टुगेदरनेस है, और टीम वर्क से कोई भी ड्रीम पूरा हो जाता है। तो हमने ड्रीम पाला है कि जब ये IIT मुंबई नंबर 1 IIT है तो अगली बार एलन मुंबई से ये रैंक 001 फर्स्ट रैंक जरूर आएगी। ये हम आप लोगों के साथ पूरा टीम की ओर से कमिटमेंट करते हैं, पूरा विश्वास है।
क्योंकि हमने इस बार एक ऐसा तरीका स्टार्ट किया जिसको हम कहते हैं कोहिनूर स्कीम, जो कि बिल्कुल कल्चर एलन का कोटा सेंटर कोचिंग का है। कोटा के हिसाब से एलन को आज 29 साल हो चुके हैं और मुंबई का पहला साल था, लेकिन जिस तरह से यहाँ पढ़ाई का माहौल है और बच्चों के साथ गुरुकुल की तरह जो बच्चों के साथ टीचर्स अपना डिवोशन डेडिकेशन करते हैं, उससे पूरा विश्वास है यहाँ रिजल्ट बहुत जल्दी एक्सेलेट होगा। अभी तो शुरुआत टॉप 100 से हुई है, अगली बार टॉप 10 में भी होगी और शुरुआत गिनती फर्स्ट से ही होगी और रिजल्ट भी एलएन मुंबई के बहुत अच्छे हैं। हमारा इस बार रिजल्ट जो हमारा अनुमान था थोड़ा वैसा नहीं आया, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है ताकि हम और दुरुस्त होकर लगे, ज़्यादा जल्दी से हमारे यूँ कह दीजिए पैर जमीन पे ना टिके, हवा में आज ऐसा ना हो जाए, इसलिए शुरुआत एक से करी है। हमें विश्वास था कि हमारे 5 बच्चे अभी तक जब रिवाइज की नहीं आई थी, और उसमें रिवाइज भी क्या हुआ, ऐसा हुआ जिससे आईआईटी पे विश्वास थोड़ा कम हो गया। हर बार आईआईटी कोई ना कोई दूसरी आईआईटी कंडक्ट करती, कभी आईआईटी मुंबई करती, कभी गुवाहाटी करती, इस बार चेन्नई ने किया, लेकिन इस बार जो चेन्नई ने आईआईटी कंडक्ट किया, मैं आराम से, क्योंकि एलन सत्य पे चलता है और हमारा सत्य पे एक हमारा स्लोगन भी है, सत्य से अगर हम बात जोड़ें, सत्य बोलने वाला परेशान होता है लेकिन पराजित कभी नहीं होता, इसलिए हम इस बात को बिल्कुल आराम से आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं कि इस बार चेन्नई ने जिस तरह से आईटी के अंदर पहले पेपर में जो कॉन्ट्रोवर्सियल क्वेश्चन थे उनके आंसर जो वास्तव में आने चाहिए एक्सपर्ट के हिसाब से, जिसके लिए 4 जून के बाद 3 दिन का टाइम दिया गया था, 6 जून के शाम को 5 बजे तक, कि आप इसके अंदर सजेशन दे सकते हैं। बच्चों ने अपने हिसाब से जहां जिसका जैसा टीचर के साथ जुड़ाव था, उनके अपने अनुभव के आधार पर, एक्सपर्टनेस के हिसाब से, सब्जेक्ट की जकड़ पकड़ के हिसाब से, उसके आंसर जो बिल्कुल दावे के साथ दबंग होकर क्लेम किए, चैलेंज किए, उसको बिल्कुल इग्नोर किया गया। और पहली बार आईटी में इतिहास में ऐसा हुआ है कि इन्होंने अपनी प्रिंटिंग मिस्टेक को लेकर एक कोड के अंदर केमिस्ट्री और मैथ्स में क्वेश्चन का जो प्रॉब्लम थी प्रिंटिंग की, एक कोड केवल कोड नंबर 1 में, उसमें बच्चों को केवल बेनिफिट देना चाहिए था, क्योंकि उसके अंदर बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ होगा, लेकिन बाकी सब बच्चों को बेनिफिट दे दिया गया। हम इसके लिए आवाज जरूर उठाएंगे, सत्य के लड़ना चाहिए, उसमें जिद्द जरूरी है, और बच्चों की ये इस समय एकदम रिजल्ट जो चेंज हुआ उसका मेन कारण ये है, वरना हमारा पूरा विश्वास था इस बार एलन मुंबई से कम 5 बच्चे टॉप 100 में जरूर आते, वो संख्या अब 1 पर रह गई। कुल एलन की बात करें, टोटल जो एलन के इस समय कोटा को मिला के 7 सेंटर हैं, उसमें इस समय फिगर है अभी तक की काउंटिंग के हिसाब से टॉप 100 में 25। हमारा पूरा विश्वास था 4 जून को जब की निकली थी ऑफिशियल की, उसके हिसाब से 300 के ऊपर एलन के 40 बच्चे थे, और आराम से 300 के ऊपर 40 बच्चों के हिसाब से पूरा विश्वास था टॉप 100 में आते। लेकिन कल रात को सडनली जब मालूम पड़ा कि आईआईटी चेन्नई ने 3 नंबर केमिस्ट्री में और 4 नंबर मैथ्स में ऐसे क्वेश्चन में दिया जिसमें वास्तव में उस विद्यार्थी को अधिकार नहीं है जिसका क्वेश्चन सही था और उसको नहीं आता, उसने छोड़ दिया, उसको नंबर क्यों दिया, है? मंदिर का प्रसाद नहीं है। मंदिर का प्रसाद तब मिलता है जब मंदिर में एक तरह से सब लोग दहलीज के अंदर एंटर करें, जब अलग अलग कोड में क्वेश्चन का डिफरेंस नहीं है, एक ही कोड में डिफरेंस है, तो आईआईटी वालों को केवल उसी कोड के अंदर बच्चों को उनकी उस समय क्या मशक्कत रही, कैसा उनके लिए चैलेंज रहा, कितना उनका टाइम वेस्ट हुआ, कितनी उनके दिमागी रूप से थकान चली, मानसिक तनाव खिंचाव दबाव चला, उसके आधार पर उनको नंबर देने चाहिए थे, सारे कोड को नहीं देने चाहिए थे। इससे रिजल्ट बहुत इफेक्टेड हुआ है, बिल्कुल विश्वास कम हो रहा है, आईटी में सीट बढ़ाई जा रही है लेकिन आईटी का विश्वास कम होता जा रहा है। एलएन के 3 बच्चे इस बार, एलएन की शुरुआत 8, 9, 10 टॉप 10 में 3 रैंक है, और अगर हम इसको आगे बोले तो एलएन के टॉप 100 में 25 रैंक से, और 25 में से 21 क्लासरूम से है और 4 डीएलपी से है। जो डीएलपी के रैंक है वो 8, 45, 50 और 94, बाकी जो रैंक से अगर मैं आपको बताऊं वो रैंक्स की शुरुआत एलन की जो इस बार हुई है 8, 9, 10, 12, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 37, 42, 45, 50, 52, 56, 59, 66, 66। ये भी अलग पहली बार हुआ कि आईआईटी ने एक ही रैंक को 2 बच्चों को दिया है, ये भी ताजुब की बात है, कई बातें पहली बार हुई है। कॉन्ट्रावर्सल क्वेश्चन जिसको वास्तव में सही करना चाहिए था, जिसके लिए आईटी ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से एक मिसाल मानी जाती है, एक अलग उसकी वास्तव में पहचान है। आईटी नो डाउट शेड्यूल के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, जो बोला उस दिन होता है,
बोला था 11 तारीख को रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट आया, कभी नहीं सोचा था आ जाएगा, कब आएगा ऐसा नहीं, जब जो होता है टाइम के हिसाब से। लेकिन इस बार जो आईटी जिस पैटर्न के लिए माना जाता है उसके हिसाब से आईटी चेन्नई ने ये वास्तव में आईटी की पहचान को कुछ गिराया है। हम इसके लिए आवाज उठाएंगे। अभी मैं आप लोगों से मिलने से पहले बात कर रहा था, दो बातें हमको मालूम पड़नी थी कि ऐसा क्यों हुआ, और दूसरा अभी तक ये मालूम नहीं पड़ा कि इस बार गर्ल्स टॉपर कौन है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है इस समय एलन मुंबई से जहां तक गर्ल्स टॉपर होगी, और उस बच्चे का नाम है रिया भविष्कर, वो हमारे साथ ही बैठी हुई है, जिसकी इस समय ऑल इंडिया के हिसाब से नेशनल लेवल करेंगे 115। इसका स्कोर 302 था, मैं हल्की सी बात ढंग से करना चाहूंगा आप लोगों से, 302 इसका स्कोर था 4 तारीख को जब ऑफिशियल की अनाउंस हुई थी, ठीक है। कल रात को 7 नंबर अचानक सबको ऐसे दे दिए गए तो भी इसका स्कोर 302 रहा, क्योंकि इनके क्वेश्चन के हिसाब से इन्होंने सही आराम से किया था, तो आराम से उनको बेनिफिट मिल गया, जिन्होंने क्वेश्चन के दर्शन नहीं किए उनको दे दिया, जबकि उनके कोड में क्वेश्चन सही था। और ये कभी किसी एग्जाम में नहीं होता, अगर एग्जामिनर के हिसाब से चेक किया जाए, एक्सपर्ट के हिसाब से बात की जाए, पैनल के हिसाब से सजेशन लिए जाए, तो जब क्वेश्चन गलत होता है तब बोनस होता है, तब नंबर दिए जाते हैं। अगर कोड में क्वेश्चन गलत नहीं है, बोनस नहीं है, सही है, ना लैंग्वेज में गलती है ना ऑप्शन में गलती है, तो कायदे से बच्चा अधिकार रखता है, तभी उसको नंबर देने चाहिए। और आईटी ने जहां एक नंबर पे बहुत बच्चे होते हैं, अगर मैं आपसे बात करूं तो 305 पर 6 बच्चे हैं, 95 से लेके 100 रैंक पर हर बच्चे के नंबर 305 हैं। अब सोचिए 302 पे बच्चे थी, इसको पहले से अपने वो क्वेश्चन आराम से इसके मैथ से पूरे में से पूरे नंबर, एक बार क्लैपिंग होनी चाहिए, और इसके पेपर के हिसाब से पहले मैथ में नंबर आराम से आ गए थे, तो +4 कैसे मिलते इसको? केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन में दिए वो इसके कोड में सही था, इसको आराम से पहले +3 मिल गए। लेकिन इसके कोड के वो बच्चे जिनको क्वेश्चन छोड़ दिया कि नहीं आता, उनको नंबर क्यों दिए, बात यहां उठती है, विश्वास आईटी का कम हो रहा है। अभी कल ही मालूम पड़ा कि वर्ल्ड लेवल की 200 अगर विश्वविद्यालय की बात करें तो हमारे इंडिया की केवल 2 आईटी टॉप 200 में भी तारीख कौन से 145 और 159 नंबर पर आती हैं। निश्चित रूप से अगर इस तरह से ट्रांसपेरेंसी क्वेश्चन पेपर के नियम के हिसाब से अगर खत्म होती जाएगी तो बच्चों का विश्वास आईटी से कम होता चला जाएगा। एलन का रिजल्ट अपने हिसाब से लास्ट टाइम 25 टॉप 100 था, इस बार भी वही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। और हम तो कह रहे हैं अच्छा हुआ 1 2 3 हर बार भी नहीं आना चाहिए, बड़ा इंसान इंसान नहीं पहले अपने को भगवान लग जाता है, क्योंकि उसके बड़ी घातक कोई नहीं है। हम चाहते हैं वो हमको इस तरह से ठीक करता रहे, अगली बार हम फिर शुरुआत करेंगे। और अब तो मुंबई है, तो एलन मुंबई की शुरुआत अगली बार वास्तव में फर्स्ट रैंक से होगी, ये मैं आपको दावे के साथ अपनी पूरी टीम की ओर से कमिटमेंट करता हूं। अभी अगर हम टोटल रिजल्ट देखें तो अभी तक ये मालूम पड़ा है, लास्ट टाइम हमने जो कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करी थी तो उस समय 19 हुए थे और बाद में 25 फिगर पहुंच गया था, अभी शुरुआत है, इस समय ये 25 है जिसमें 21 क्लासरूम से और 4 डीएलपी से हैं। तो विशेष मिसाल बनाई है, क्योंकि हम शिक्षा के पुजारी व्यापारी नहीं है, हम चाहते हैं अगर किसी भी जगह कोई बच्चा पढ़ाई की जिद करे, अरे जिद पढ़ाई की कर रहा है और कोई गलत चीज थोड़ी कर रहा है, तो उसको तो पूरा एलन सपोर्ट करता है, जिसे हम गुदड़ी के लाल कहते हैं। और उसके अंदर हम बच्चों को उनका जो अभी तक पढ़ाई का सफर, बच्चे को अभी बचपन से क्या करना था, एक ही काम करना, पढ़ाई, जिसने अपने कर्म क्षेत्र के पुरुषार्थ में अपना बेस्ट देकर अपने हिसाब से मेधावी रूप से जितना हो सकता है उसके पास जो संसाधन है, जो उसकी परिवार की स्थिति है, जैसी पढ़ाई करके अपने बल पर रिजल्ट दिया है, तो उनके 10 के रिजल्ट को अगर बच्चा 10 के बाद मिलता है या उसका कोई भी और तरह का अचीवमेंट या 12 बोर्ड के रिजल्ट को देख के बच्चों को लेते हैं और परिवार से बोलते हैं बाप भूल जाइए, निश्चिंत हो जाइए, आपको किसी प्रकार के इसकी आर्थिक रूप से एक पैसे की चिंता नहीं करनी है। एलन उसकी फीस को पूरा माफ करता है और उनके रहने का खर्चा भी एलन वहन करता है। और ऐसे हर बार रिजल्ट आते हैं जिसके अंदर आपको देखेंगे कि किसी कूली का बच्चा डॉक्टर बन गया, किसी सब्जी बेचने वाले का बेटा आईटीएन बन गया, ऐसे भी रिजल्ट आते हैं। कोई बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड है लेकिन आईटी में सेलेक्ट हो रहा है, दो भाई आए, एक कोई कंधे बिठा के ले जाता है, एक से चला नहीं जाता, वो भी आईटी में सेलेक्ट हो जाता है। मैं आपको इसके अंदर डेटा दे दूंगा, हर बार ऐसा होता है। और इस बार एलएन ने अपने एक विशेष मिशन चालू किया है, गवर्नमेंट के द्वारा एक आशा करके प्रोजेक्ट है, उसमें 500 बच्चे ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से जो गवर्नमेंट के स्कूल है उन बच्चों को एलएन इस बार से फ्री से पढ़ाएगा, फ्री पढ़ाएगा, ये हमने अपने से कमिटमेंट कर लिया। हम तो सबसे गवर्नमेंट से कहते हैं आप जो बोलिए हम एलन तैयार है, क्योंकि हम पुजारी हैं,
इस पढ़ाई के हिसाब से इसको एक सर्विस मान के चलते हैं, और हर पेरेंट्स आज अपने बेटे का भविष्य सबसे अच्छा क्या दे सकता है, अच्छा तालीम दे सकता है, अच्छी पढ़ाई दे सकता है और फिर निश्चिंत हो सकता है। तो हम चाहते हैं जहां पेरेंट्स का ख्वाब बच्चे के लिए अपना डिवोशन एडुकेशन हर तरीके त्याग के साथ जुड़ा हुआ है, तो एलन भी उसमें कुछ अपना कंट्रीब्यूशन कर सके, इसलिए एलन उसमें हमेशा उसके साथ खड़ा है। वैसे ही आप देखिए, टैलेंट हो या चैलेंज हो, दोनों की स्पेलिंग में एलन आता है। टैलेंट हो या चैलेंज हो, दोनों की स्पेलिंग में एलन आता है, इसलिए एलन हमेशा ऐसे बच्चों के साथ खड़ा था, खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। आता है और जिपमेर में एलन का रिजल्ट है टॉप 10 में 5 रैंक, 1, 2, 3, 4 एंड 6। और इसी में मुंबई से भी शुरुआत हुई है मेडिकल के हिसाब से, एक रायता करके बच्ची और रायता और क्या नाम है रीथा जो भी नाम है, दो बच्चे हैं। इन बच्चों का रिजल्ट अभी और एम्स का भी आने वाला है, मुझे पूरा विश्वास है। रिथा और एक तेजस जिसकी एससी में फर्स्ट रैंक भी है, एससी फर्स्ट रैंक भी उसकी, एससी फर्स्ट रैंक तेजस की। ये जिपमेर का रिजल्ट आया, और बता दूं रिजल्ट तो अभी कल ही, मैं अभी ट्रेन से आ रहा था, दो रिजल्ट कल ही कल रात को मालूम पड़े। जिपमेर में आया उसमें तो टॉप 10 में बताया मैंने 1, 2, 3, 4 और 6, 5 रैंक 5, 10 में है। और एक रिजल्ट है जिसको कहते हैं ओलंपियाड बायो का, जिसमें 4 बच्चे एज ए इंडिया रिप्रेजेंटेटिव बाहर जाते हैं, उन 4 में से 3 बच्चे एलन के हैं। और 3 बच्चे एलन के भी कैसे हैं, इसमें एक बच्चा 10th में जो भी है उसने 11, 12 के बच्चों से फाइट करके ये पोजीशन बनाई है, अपने देश का एज ए रिप्रेजेंटेटिव बन के वो बाहर जा रही है। उस बच्ची का नाम है स्तुति, ऐसा नाम है। और उसके बाद एक बच्चा 11th पर है विदुषी वाष्णे, और एक बच्चा अर्चित गुप्ता एल इंदौर से है जो 12th का है। एक 10th है, एक 11th है, एक 12th है, क्योंकि आजकल एग्जाम के नाम एडवांस है, इसलिए आजकल बच्चा एडवांस चलता है। वो 9th में 11 कर लेता है, 10th में 12 कर लेता है, तो 10th में वो 11, 12 के बच्चों के साथ फाइट करने के लिए सक्षम तैयार हो जाता है। इसलिए ऐसे रिजल्ट आते हैं जहां पहले रिजल्ट आज से 4-5 साल पहले केवल 12 के बच्चे जाते थे, कोई ओलंपियाड फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो या एस्ट्रो का हो, लेकिन आजकल बच्चे 10th, 11, 12th में जाते हैं। जो मैंने नाम बोला है विदुषी वर्ष ने जो कि एलन जयपुर से है, वो बच्ची जब लास्ट टाइम 10th में थी तब भी गई, अभी 11th में तब भी गई, जब वो 9th में थी तब भी गई, मतलब उसने तो रिकॉर्ड बना लिया है कि लगातार 3 साल तक 12th तो जाएगी 12th तो जाएगी। ऐसे ये बच्ची जो स्तुति नाम है, क्या नाम है स्तुति मिला, स्तुति ये कोटा, एलन कोटा से बच्ची है जो अभी वहां पे प्री पीएनसीएफ डिवीजन की बच्ची है 10th के अंदर है, और एक अर्चित गुप्ता जो बच्चा एलन इंदौर से है, ये तीनों बच्चे जा रहे हैं। बाकी रिजल्ट और भी अगर आपको मालूम हो तो आईजेएसओ के अंदर जो कि 3 स्टेज का एग्जाम होता है, उसमें 6 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, पूरे के 6 बच्चे वो आपके एलन के हैं, जिसमें 5 उसके क्लासरूम से हैं और एक वर्कशॉप से है। केमिस्ट्री ओलंपियाड है, फिजिक्स ओलंपियाड है, इसमें बच्चे 4 में से 2 या 3 बच्चे एलन के होते हैं। तो एलन का तरीका, क्योंकि ये सब एग्जाम जो हैं कैरियर एग्जाम से जुड़े हुए हैं, लेकिन इससे बच्चों को एक अपने आप बूस्ट अप मिलता है, सेल्फ मोटिवेशन सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। आज कोई बच्चा अगर मान लीजिए, जैसे एक बात करूं, लेजन बच्चा है बिहार, वो इस समय ओलंपियाड फिजिक्स में जा रहा है, मुझे पूरा विश्वास है जब अगले साल 2018 के अंदर आईआईटी देगा, आप नाम नोट कर लीजिए, लेजन टॉप 10 में होगा, पक्का होगा। जो एक बार ओलंपियाड के साथ से 11 के अंदर भी जा रहा है, तो वो तो पक्का अभी से नजर आ रहा है कि जब जेई एडवांस के हिसाब से 2018 में अपीयर होगा तो टॉप 10 में होगा। कर लीजिए अर्चित गुप्ता, जहां तक वो टॉप करने वाला है, जिसको अभी मैंने ओलंपियाड में ही बोला है, वो बच्चा 12 के साथ अभी जा रहा है।